पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के अचानक स्वास्थ्य का हवाला देकर उपचुनाव से पीछे हटने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार धर्मशाला से विजय इंद्रकरण को पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस का टिकट पाकर दिल्ली से धर्मशाला लौटे विजय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर प्रचार को तेजी प्रदान कर दी है। धर्मशाला से विजय इंद्रकरण को पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गद्दी समुदाय कांग्रेस पार्टी से हमेशा गद्दी चेहरे को मैदान में उतारने की मांग उठाता रहा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया था। एक बार धर्मशाला से मनोज कुमार को इस समुदाय से टिकट मिली थी, लेकिन सुधीर शर्मा ने उनकी टिकट को काट कर धर्मशाला का प्रतिनिधित्व किया था। अब इस बार विजय को टिकट मिलने से गद्दी समुदाय गदगद है। जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से युवा कांग्रेस के प्रभारी विजय इंद्रकरण पेशे से होटेलियर हैं। पिछली सरकार में वे पर्यटन निगम के निदेशक थे। उन्हें निदेशक बनाए जाने में सुधीर शर्मा का ही हाथ था, लेकिन अचानक सुधीर शर्मा से दूरियां बढ़ने के बाद विजय दूसरे खेमे में चले गए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को धर्मशाला से नया चेहरा मिल गया। टिकट मिलने के बाद पहली बार धर्मशाला पहुंचे विजय इंद्रकरण ने मीडिया से मुखातिब होते हुए टिकट के लिए केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के आला नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला से युवा उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और वे जरूर उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे और धर्मशाला में रुके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे। इस बार मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल गांधी जी, हमारे IYC के प्रधान श्रीनिवास जी और हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रधान कुलदीप राठौर जी, CLP लीडर हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, विशेष तौर पे हमारे बाली साहब रघुवीर सिंह बाली जी और वीरभद्र सिंह जी और समस्त कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व, मैडम आशा रानी जी, मैडम चंद्रेश जी, मैडम विप्लव जी, सब ने एकजुट होकर मेरा नाम धर्मशाला के लिए आगे किया और मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। सुधीर जी ने मना किया, तब कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। किस तरह देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं धर्मशाला के लिए रहेंगी? अब धर्मशाला में जो अटके विकास कार्य है, स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे विषय जो काम हो नहीं रहे हैं उनको उनमें तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। सारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है सब ने एकजुट होकर मेरे नाम पे सहमति जताई है और अगर आप आज देखेंगे तो जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं और जो नए हैं सब एकजुट हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।